हिंसा के गुनहगारों से होगी नुकसान की पूरी वसूली। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा के नूह हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया और साफ कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे भड़काऊ भाषण न हो। हालांकि अपनी सुनवाई के दौरान अदालत ने रैली और प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। नूह हिंसा मामले को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हर हाल में दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, साथ ही जिम्मेदार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। फिलहाल हिंसा के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की 30 और अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात हैं। कर्फ्यू में बीच बीच में ढील दी जा रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से जिला न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की गई। इस दौरान दूसरे पक्ष पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील भी की गई। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। वैसे ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट भी फैसला सुनाएगी। मोदी सरनेम मामले में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। राहुल ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। वहीं राहुल ने यह भी बताया कि उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है, ऐसे में माफी नहीं मांगने के चलते उन्हें घमंडी कहना गलत है। इसके अलावा राहुल ने कहा कि उनकी अपील सेशन कोर्ट में लंबित है और उसमें सफलता की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक बादल बरसेंगे। तेलुगु अभिनेत्री जयासुधा दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गयी। इस दौरान पार्टी महासचिव तरुण चुग और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। जयासुधा पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। इन्हीं तारीखों के लिए पीएम मोदी से समय मांगा गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मानना है कि अयोध्या में सिर्फ एक कार्यक्रम होना चाहिए और वो भी गैर राजनीतिक। इस दौरान कोई मंच नहीं बनेगा। हालांकि आमंत्रित कुछ बड़ी हस्तियों को बोलने का थोड़ा थोड़ा समय दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में संघ के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे।